हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषियांचल व्लॉग्स में। तो ये देखो मैं कहाँ घूम रही हूँ, अपने बगीचे में। तो जितना मज़ा आ रहा है ना यार, जो ठंडी ठंडी हवा और जो ये फूलों की खुशबू है ना, इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है तो इस वक्त फूलों की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, हाँ हाँ दिल खुश हो गया घर आके। साथ में ठंडी 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 हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं चिड़िया ची ची कर रही है, कहीं मक्खियाँ भिन भिन कर रही है, कुछ ना कुछ चला हुआ है कार्यक्रम। तो चलो आपको भी दिखाते हैं अपना फार्म टूर, आपको भी कराते हैं। ये वाले देख, दो पेड़, एक तो ये वाला जहाँ तू पहुंची इसमें भी बहुत कम फूल है, पत्तियाँ ज्यादा है। आगे वाला, नीचे वाले में तो ठीक है, इस वाले में गिर गया। चप्पल पहन के, वेरी गुड, बगीचे में कौन आता चप्पल पहन के, वो जल्दी जल्दी में पहन ली ना। और ये देख, इसमें भी बहुत कम फूल है, ऊपर ऊपर को तो है, नीचे खाली है, बहुत कम फूल है। देखो बड़े बड़े पेड़ों का ढीला काम है, ये देख रेड गोल्डन तो पूरे का पूरा खाली है। मम्मी लगे हुए सब्जी इकट्ठी करने। तो ये है जलगा, और क्या बोलते हैं इसको, जलगा ही बोलते हैं। जंगली सब्जी नहीं हो, जंगली नहीं, ये तो हमने खुद लगाई हुई है, जंगली कहाँ से आई खेत में। जलगा बोलते हैं, पर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, और जितने टेस्टी तो इसके पकौड़े बनते हैं और धिंदड़े भी बनते हैं इसके। पर अभी इसके पत्ते छोटे कर रहे हैं ये, कल हमने शिमला जाना है तो हमारे लिए घर की पत्तेदार सब्जियां इकट्ठी कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल। तो आज हम मम्मी का किचन गार्डन देखने वाले हैं। वैसे शहरों में किचन गार्डन बोलते हैं, पर हमारे क्या बोलते हैं मम्मी जी, जो ये आप छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी अपनी। नहीं नहीं उसको प्रॉपर नाम नहीं होता उसका, कुछ ऐसे छोटी जैसी वो शाड़ी 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 हाँ शाड़ी बोलते हैं कि मम्मी ने जरा शाड़ी में क्या क्या लगाया हुआ, आज मम्मी दिखाएंगे हमारे को क्या क्या लगाया हुआ इन्होंने। मैंने चालू लगाए हुए हैं, जमे नहीं है अभी, थोड़े दिन ही हुए लगा के। और ये जैकी भी आ गया है ढूंढता हुआ, अब निकलेंगे। हमारे पड़ोसी का कुत्ता, हाँ तो मेरे को तो मिली नहीं इसमें, वो आलू पता नहीं सड़ गई, सड़ गए या चूहा तो नहीं। इतना सख्त है ना, छोटे छोटे नहीं की जूते बाबू है। लो जी आलू बीजे तो गुम हो गए, यहाँ लग गया, ये देखो आने लग गया, फट गया इसमें, बारिश के बाद हो गया अभी ऊपर ना। नहीं अब जब गर्मी आएगी ना अच्छे से फिर फटते हैं फटाफट। और ये हमारे सेब, इसमें देखो कहीं कहीं सेटिंग हो गई है। हाँ यहाँ देखो मम्मी, वहाँ कहाँ देख रहे हो, ये देखो ये देखो, हाँ यहाँ भी है, कैसे बन चुके हैं, देखो ये देखो यहाँ पे ये बन गए सेब। हाँ ये देखो, हाँ सकते हैं सारे टिक जाएंगे, नहीं तो ये छूट भी जाते हैं। ये तो जब इतने बड़े हो गए ना आंचल तब तो चल पड़ते हैं। ये देखो ये लगी हुई है आटी, इससे तैयार होते हैं पलम, कुरमानी, स्टोन फ्रूट्स जो होते हैं हमारे। अब ये इतने इतने जब ये बड़े हो जाएंगे इसमें ग्राफ्ट करते हैं, नई कलम करेंगे ना इसमें। हाँ अभी तो यही है, यहाँ छोटू ने खीरे बीजे थे और वो एक भी नहीं उगा है। कहाँ पे, यहाँ पर। मम्मी आपने सेब की तौलिया में लगा रखा है ये सब कुछ, तो ये सूखने वाला पेड़ है। सूखने वाला क्यों है मम्मी, ये बढ़िया चला हुआ है, देखो इतनी अच्छी फसल लगी इसमें। इसमें वो बीज ही गायब हो गया। चलो ये भी बढ़िया हो गया, क्योंकि मैं इस फेवर मेन्यू की हेल्दी प्लांट में जो है ये इस तरह से लगाया जाए, क्योंकि ये सारी बेलें इसमें चली जाएगी इस पेड़ में। देखो इतनी अच्छी क्रॉप लगी, इतनी अच्छी फूल लगे इसमें, और इसमें नहीं बीजना बिल्कुल। और जैकी क्यों जीभ बाहर निकाली हुई, ये लहसुन है, ये देखो मम्मी कितनी सारी लहसुन लगा रखी है अपनी घर की। इतनी बड़ी बड़ी लहसुन होगी ये, अब कब आएगी ये, बस अब 20-25 दिन में जब इसमें फूल लगेंगे ऊपर तब आने लगी। 20-25 दिन में ये खोदने के लिए हो जाएगी तैयार, फिर मैं इसमें बालड़ी भी दूंगी डाल के। हाँ तो साल में मम्मी दो दो फसल निकालते हैं एक जगह से, राजमा भी दूंगी अब इसमें मैं, ये थोड़ा रुको तो मम्मी दीजिए मैं सारा ये वाला। और ये वाइट वाइट फूल वाला क्या लगा हुआ है, वो मूली थी, अब इसको तो पटना पड़ेगा। देखो हमने वो वर्मी कंपोस्ट बना रखा हुआ है यहाँ पे, अब ये बनेगा, इसमें केंचुआ डालेंगे, क्योंकि अभी तो हम इसको स्टोर करें इसमें गोबर और फालतू घास सड़ा करके, फिर बनेगा इसमें। ये देखिए ये सारे पत्ते हैं, छोटे छोटे ये इसमें डालेंगे,
पटके हाँ, इसका वो बन जाएगा वर्मी कंपोस्ट सर के। बनती तो कैसे सब्जी भी है, हमने तो कभी बनाई नहीं है इसकी, इसे बहुत अच्छी सब्जी ये वाली। हाँ बेचने को भी तो होती है बाजार में लाई हुई। हाँ मैंने भी देखी है कहीं कहीं तो देखी है, हमने टेस्ट तो अच्छा है इसका, कर लो एक्सपेरिमेंट उसमें क्या है। तो मीठी मीठी जैसी है, मिर्चा नमक ज्यादा डाली। पाउडरी लगनी शुरू हो गई है देखो। हाँ मम्मी इसके बाद वही स्प्रे आनी है पाउडरी की, मैं वही देख रहा था और मेरे को कई जगह दिखाई। कद्दू का बीज और मम्मी इसको बीजने जा रहे हैं, वो कैसे लगाते हैं कद्दू के बीज को, फिर कुछ टाइम बाद हमारे को कद्दू की सब्जी खाने को मिल जाएगी। छोटा पेड़ इसमें भी फूल आ गई, अच्छी बात है सैंपल आ जाएगा पहले ही पता लगेगा। ये वो एज पर वैरायटी, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बस थोड़े बड़े होंगे और फल देना शुरू कर देंगे। अच्छा है इस बार यहाँ पे, बल्कि ये वाले ऊपर के दो एक पेड़ ना ये ढीले थे ही नहीं इसमें, बहुत कम थे। ये देखो बी कैसे काम कर रही है यहाँ पे फ्लावर में बैठ कर के, अभी इसका रस निकाल के दूसरे फूल में जाएगी है ना। हाँ। एक और आ गई ऊपर को, ये देखो चलिए अब मम्मी बीज रहे हैं ना कद्दू, मैं जा रही हूँ चेऊ ढूंढने कब एक तो मिल जाए, मेरे को आज तक एक भी नहीं मिला लगता नहीं कांचल वैसे। क्या हुआ कद्दू? तो एक कद्दू वहाँ पे हो गया था तैयार, क्योंकि पहले बीज रखा था मम्मी ने, तो वो खोद दिया उन्होंने। देखो कैसे बीज रहे, ये पहले जगह बनाई यहाँ पर डाला, देख रहे हाँ जो लग गया था दब गया वो मम्मी रंग मच्छर। हाँ ये देखो इसका ये ना ऊपर को करो, नहीं ठीक है ऐसे ही है मुद्दबाद इसको, और इसका रिजल्ट देखते हैं ये कामयाब होता है कि जाता है देखने के बाद। अच्छा ये देखो ऐसे दबाते हैं बीज को, ज़्यादा गहरा नहीं दबाना पड़ता ऊपर पर ही बस। ये लगा दिया बीज, यहाँ पे पैदा होंगे फिर बेल कद्दू की और तैयार होंगे इसमें कद्दू। ढूंढ ढूंढ आंचल शक्ल मत देख, शायद तुझे कुछ मिल जाए, कामयाब हो जाए तू इतने वर्षों में एक बार। ये वाले ये चने तो ये देखो मम्मी ने ये काले काले चने की सफेद चने सफेद चने बीजे जो जिसके हम जो छोले छोले खाते हैं वो वाले चने बीजे हैं। ये फूल आ गए देखो फूल इसमें। हाँ तो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे शायद तब तक ये तैयार हो जाएंगे। और ये बीच में लहसुन भी है, मटर का है यहाँ देखो, मटर भी लगे हुए हैं, मटर हैं सरसों हैं यहाँ भी बीजी मैंने ये तो सब्जी जो भी थी। हाँ यहाँ बीन्स लगाई हुई है अभी वो आई नहीं है। मैं कभी आया चले फूल वाले तो अच्छा तो ये थोड़े लेट लगाए होंगे, इसमें अभी फूल ही नहीं है। ये देखो शक्करपारे लग भी गए हैं छोटे छोटे कम है पर काट लिया इस बारी पर है, जहाँ भी है वहाँ बड़ा है। ये देखो हमने यहाँ घास की टोली लगाई हुई है गाय के लिए, अभी भी खाएगी अभी गाय सूखा घास की, अभी अगली साल को रहेगी नहीं जब सूएगी तो देना पड़ेगा हरा घास नहीं देते ना। अच्छा ये पूरा एप्पल ही रेड होता है अंदर से भी तो बाहर से भी, और इसके फ्लावर्स भी पिंक पिंक है, और आप और रॉयल के देखेंगे तो ये देखो वाइट है, वाइट और थोड़े से पिंकिश, और इसके तो पूरे ही पिंक है। तो देखते हैं कैसा बनता है ये सेब, हमारे भी अभी फर्स्ट सैंपल ही आना है, मैंने अभी नहीं देखा है कि कैसा लगता है। तो ये देखो मम्मी निकाल रही है साइड साइड से ये जो एक्स्ट्रा टहनियाँ लगी होती है सेब की, ये सारी खुराक खाती नहीं तो। अच्छा तो जो हम पेड़ों में डाइट डालते हैं नहीं तो सारी ये खा जाती है और बिल्कुल हरी भरी रहती है, तो इनको निकालना पड़ता है।
तो ये देखो किचन का मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर है, मम्मी ने लगाया हुआ हरा धनिया, ये देखो इतना सारा लगा हुआ है। हरी मूली भी है यहाँ पर। ये देखो हमारे बादाम भी लग गए, इतने बड़े बड़े हो गए। और यहाँ देखो मटर, हाँ ये देखो लग भी गए। अब इसमें ये फलियाँ लग रही है, ये देखो फूल आ रहे हैं इसमें, ये देखो मेरे मटर ही मटर है, एक बोरी होनी चाहिए। इस बात हम बेच भी सकते हो मटर। हाँ, एक बोरी होनी चाहिए। तो बोला 20,000 के मटर होने आपके। मैंने कहा मेरे तो, मैंने कहा 5,000 के भी बहुत है जी, 5 के। ये देखो जी सरसों और पालक, आरवी के लिए मम्मी पालक पनीर के लिए तोड़ रहे सरसों और पालक, बोले दोनों इकट्ठा करके बना देना। ये देखो जी हमारी स्ट्रॉबेरी लास्ट ईयर लगाई थी हमने, हाँ इंदिरा नानी के घर से लाए थे। अब इसके बाल ना मैंने काट लेने, बॉय कट लगाएंगे इसको। ये देखो पूरी ड्राइनेस होगी इसके बालों में, देखो। हाँ इसको ना बॉय कट लगाना है, नहीं हाँ नहीं, लड़का बनाना है इसका, ताकि इसको रशि को पहचान ना सके, दोनों को लड़का मिले। नहीं मैं करने नहीं दूंगी बॉय कट, अभी तो तेरे को बस इसी में ही हो रही है। जब बनाने आ रही फिर क्या होगा, ये कॉम से करनी है तो कैसे होगा। ओ माय गॉड, और ये देखो पापा और शिव घूम रहे हैं। पी कर दो, करने पड़ता है। गुड नाइट नहीं, अभी पीपी करो, अभी गुड नाइट के लिए बहुत टाइम है। मैं शिमला जाने के लिए बिल्कुल अक्सर रहती हूँ। हम इसको शिमला नहीं ले जा रहे, अब यहीं पढ़ रही है। नहीं मैं जा रहा हूँ। और सनसेट होने की भी तैयारी है। मसालेदार एक चाय मुझे भी देना, शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा में और चटखार के घर आते चाय को पीने का मजा ही अलग आता है। तो शाम का टाइम हो चल रहा है और मम्मी निकाल रहे गाय से दूध। ये देखो बहुत ही शरीफ गाय है, कल मम्मी बोलते ना मैं इसको पानी पिला रही थी और पीछे से अर्शिव दूध निकाल रहा था इससे, अब इतना छोटा अर्शिव ये भी इसको छू रहा था और ये कुछ नहीं बोल रही थी। तो अब पहुंच चुके हम लास्ट वाले गार्डन में। मेरी पेंट में चढ़ गया है क्योंकि मेरे को भी लेके जा, मैंने भी आना है। तो ये देखो हमारा पुदीना यहाँ पर, इतना सारा पुदीना मिंट लगा हुआ। तो हमारा जब भी मन करता है फटाफट से यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं और ताजा 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 ताजा। और ये देखो सरसों भी फूली हुई, यहाँ देखो ये सौंफ भी लगी हुई है यहाँ पर। सौंफ वो जो कई बार कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो मिट्टी सौंफ नहीं होती, वो खाने वाली, खाने के बाद भी जिसको हम खाते हैं जिससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, वो इसमें लगती है। यस हाँ ये वो है, और इसको स्मेल करके देखेंगे ना कितनी हाँ। अच्छी खुशबू आती है ना इसमें, सौंफ की खुशबू आती है, खुशबू इससे सौंफ की खुशबू आती है। तो ये था कुछ एक हमारा किचन गार्डन, जो मम्मी ने कुछ एक सब्जियाँ लगाई हुई है, बहुत कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसा ऐसा था सब कुछ। तो ये लोग भी घर में काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग जुमला में होते हैं तो ये कुछ ना कुछ लगे रहते हैं ताकि खुद को बिजी रख सके। तो गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, सब ने कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ खेतों में उगाया होता है। तो यार बस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, तो करते हैं इसको। ये देखो पीछे पीछे को जोर लगा रहा है ताकि ये गिर जाए, वो बहुत चला दिया ये, आगे पकड़ो मम्मा को, हाँ नहीं तो गिर जाओगे। तो यार बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इन वादियों से, क्योंकि ये हमारा भी ये आखिरी दिन है इन वादियों में, अब पता नहीं कब आना होगा। चलो हम बाय बोल रहे हैं, बाय कर दो, बाय आज तो नई टोन निकाल रहा है। बाय बाय।